आज के इस वीडियो में हम एक सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखेंगे और ये सेंटेंसेस हम अपनी कॉन्वर्जेशन में बहुत यूज़ करते हैं। अगर आप ऐसे कहते हो कि वहाँ इंग्लिश बोलने का कोई फ़ायदा नहीं, वो लोग सिर्फ उर्दू समझते हैं, यानी कि अगर आप वहाँ इंग्लिश बोलोगे तो कोई नहीं समझेगा और आपकी कोई अच्छी इमेज नहीं बनेगी क्योंकि उन्हें सिर्फ उर्दू आती है, या अगर मैं कहूँ कि उन्हें समझाने का कोई फ़ायदा नहीं, जब इस तरह के सेंटेंसेज हो आप इस तरह से बोलो कि कोई भी काम करने का कोई फ़ायदा नहीं, उसके लिए आप यूज़ करते हो देयर इज़ नो पॉइंट या देयर इज़ नो यूज़। आप दोनों यूज़ कर सकते हो, देयर इज़ नो पॉइंट और देयर इज़ नो यूज़। इसके बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। ये बात आपने याद रखना है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ होगी, सिंपल फॉर्म यूज़ नहीं होगी, ठीक है। जैसे मैं कहूँ वहाँ इंग्लिश बोलने का कोई फ़ायदा नहीं, वो सिर्फ उर्दू समझते हैं, देयर इज़ नो पॉइंट इन स्पीकिंग इंग्लिश, देयर इज़ नो पॉइंट इन स्पीकिंग इंग्लिश। जब आप देयर इज़ नो पॉइंट यूज़ करेंगे तो उसके बाद आपने इन लगाना होगा, फिर स्पीकिंग इंग्लिश आएगा। दे ओनली अंडरस्टैंड उर्दू, वो सिर्फ उर्दू समझते हैं, दे ओनली अंडरस्टैंड उर्दू। लेकिन अगर आप देयर इज़ नो यूज़ लगाते हो तो उसके बाद इन नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की आई एन जी फॉर्म आएगी, देयर इज़ नो यूज़ स्पीकिंग इंग्लिश, वहाँ इंग्लिश बोलने का कोई फ़ायदा नहीं, देयर इज़ नो यूज़ स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। अगर आप देयर इज़ नो पॉइंट लगाएंगे तो इन के बाद वर्ब की आई एन जी फॉर्म आएगी, देयर इज़ नो यूज़ लगाएंगे तो डायरेक्ट वर्ब की आई एन जी फॉर्म आएगी। एक और सेंटेंस देखें, उनसे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ वक्त ज़ाया होगा, देयर इज़ नो पॉइंट इन आर्ग्यूइंग विद देम, इट विल ओनली बी अ वेस्ट ऑफ टाइम, देयर इज़ नो पॉइंट इन आर्ग्यूइंग विद देम, इट विल ओनली बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। या हम ये भी कह सकते हैं देयर इज़ नो यूज़ आर्ग्यूइंग विद देम, उनसे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं, उन्हें समझाने का कोई फ़ायदा नहीं, देयर इज़ नो यूज़ मेकिंग देम अंडरस्टैंड, देयर इज़ नो यूज़ मेकिंग देम अंडरस्टैंड, या देयर इज़ नो पॉइंट इन मेकिंग देम अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड होता है समझना, और मेक समबडी अंडरस्टैंड होता है किसी को समझाना। अब समबडी में आपका किसी बंदे का नाम भी आ सकता है और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी आ सकता है, मेकिंग देम अंडरस्टैंड उनको समझाने का, ठीक है। एक और सेंटेंस देखें, लड़ाई झगड़े का कोई फ़ायदा नहीं, देयर इज़ नो पॉइंट इन फाइटिंग, देयर इज़ नो पॉइंट इन फाइटिंग, वो आपकी बात नहीं मानेंगे, दे विल नॉट लिसन टू यू, दे विल नॉट लिसन टू यू, देयर इज़ नो पॉइंट इन फाइटिंग, दे विल नॉट लिसन टू यू। एक और सेंटेंस देखें, खामोश रहने का कोई फ़ायदा नहीं वरना आपको मज़ीद परेशानी होगी, देयर इज़ नो पॉइंट इन कीपिंग क्वाइट अदरवाइज यू विल ओनली गेट इन टू ट्रबल, ठीक है। देयर इज़ नो पॉइंट इन कीपिंग क्वाइट, खामोश रहने का कोई फ़ायदा नहीं, अदरवाइज यू विल ओनली गेट इन टू मोर ट्रबल, आपको मज़ीद परेशानी होगी। सब कुछ बताने का कोई फ़ायदा नहीं, कोई यकीन नहीं करेगा, देयर इज़ नो पॉइंट इन टेलिंग एवरीथिंग, सब कुछ बताने का, इन टेलिंग एवरीथिंग, नो वन विल बिलीव, देयर इज़ नो पॉइंट इन टेलिंग एवरीथिंग, नो वन विल बिलीव। एक और सेंटेंस देखें, अब छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं, सबको पता चल चुका है, देयर इज़ नो पॉइंट इन हाइडिंग नाउ, हाइड मीन्स छुपाना और वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी हाइडिंग, देयर इज़ नो पॉइंट इन हाइडिंग नाउ, एवरीवन नोज, सब जानते हैं, एवरीवन नोज, सब जानते हैं। अब एक सेंटेंस आपके लिए है, अब जॉब के लिए अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं, इंटरव्यू हो चुके हैं, यानी कि अब आप अप्लाई भी करोगे तो कोई रिस्पांस नहीं आना क्योंकि अब तो इंटरव्यू भी हो चुके हैं, जॉब के लिए अप्लाई करने का अब कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि इंटरव्यूज़ हो चुके हैं। इस सेंटेंस को आप बनाएंगे, कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे, देयर इज़ नो पॉइंट या देयर इज़ नो यूज़ करके वर्ब के आगे आई एन जी फॉर्म आएगी, उसके बाद आपकी जो भी बात है आप कहना चाहो तो वो कह सकते हो, वरना सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि करने का कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। इसे अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज़ कीजिए। कीप स्टेइंग विद अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।